मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोग चढ़े पुलिस के हाथ। संगम नगरी प्रयागराज खुल्दाबाद थाने की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कई आप अपनी बाइक के कोई पुराना सामान मैकेनिक से लगवा रहे हैं तो कृपया सावधानी बरतें, क्योंकि यही छोटा सा पार्ट आपको मुसीबत में डाल सकता है और पुलिस की नज़र में आप चोर साबित हो सकते हैं। दरअसल खुल्दाबाद पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो चोरी की बाइक को मिनटों में उसका पार्ट अलग अलग करके बेच देते हैं और यही चोरी का पार्ट अन्य मैकेनिक खरीद कर इस्तेमाल कर देते हैं। पकड़े गए आसिफ सहिल और आशु की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल और कई गाड़ियों के कटे पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। इस पकड़े गए हैं खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में। ये लोग कौन है, क्या करते थे, किस तरह से गाड़ियों का पार्ट खोल गए? सीओ सिटी फर्स्ट के नेतृत्व में इंस्पेक्टर खुल्दाबाद और चौकी प्रभारी लूकरगंज अतुल सिंह, इन सभी लोगों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एक ऐसे गैंग को पकड़ा जिसका कोई पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से किसी के नारे में नहीं थे। इस गैंग में कुल 4 व्यक्ति शामिल, इसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 बंदे इसमें से गाड़ियों को उठाते थे और ले जा करके 2 लोग के घर पर छोड़ते थे। वो वहाँ से इनके फर्जी कागजात तैयार करने से लेकर के इनको स्पेयर पार्ट्स के रूप में फैला देते थे और फिर वहाँ से इनको स्पेयर पार्ट्स के रूप में कोशिश करते थे कि इन गाड़ियों को बिके और उससे आसानी होती थी। कहते थे कि पकड़े जाने का चांस नहीं रहता था क्योंकि उसमें जो 2 मुलजिम हैं वो पहले मैकेनिक का भी काम कर चुके हैं और उन्होंने 2 साल तक मोटरसाइकिल बनाने का भी काम किया और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी मैकेनिक शॉप भी खोल लिया था। उसने वहाँ मोटरसाइकिल वगैरह बनाते थे, रिपेयरिंग करते थे, उसी के थ्रू ये डिस्पोज आप करते थे इन गाड़ियों के टुकड़ों टुकड़ों में इस करके पार्ट्स में। इसमें जो 2 लड़के शामिल हैं, दिखावे के लिए अपनी एक चप्पल की दुकान भी खोल रखे थे। जिस दिन वो वहाँ से नैनी से बंद करते थे तो आकर के यहाँ पे गाड़ियाँ उठाते थे और ये 2-3 थाना क्षेत्रों में लोकलाइज करके जो धूमनगंज के पास पड़ता था गाड़ियों को ले आके वहाँ पे छोड़ देते थे और इस तरह से किसी की नोटिस में भी नहीं आ पा रहा था कि ये गैंग इस तरह से वर्क कर रही है। निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी से फ़र्क पड़ेगा, खासतौर से 2 पहिया वाहनों की चोरी पे, और इन गाड़ियों से लगभग 8-9 की संख्या में हम लोगों ने मुकदमों से जो जोड़ पाए हैं और इस पर लगातार कोशिश चल रही है। अभी एक व्यक्ति फरार है और हमें जानकारी मिलेगी। 17 वाहनों के बारे में इनसे चोरी के बारे में बता चुके हैं। लगभग ये गैंग ने 25 से 30 वाहनों की चोरी कर चुका था और इस पर लगेगा अभी कार्रवाई जारी है हमारी और इन पर गैंगस्टर भी लगाएंगे और इनकी निगरानी भी करेंगे आगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।